असलकुम वेलकम टू माई चैनल क्विक नॉलेज बाई मिरु फातमा सो आज का हमारा टॉपिक है अबाउट टॉक्सिकोलॉजी सो टॉक्सिकोलॉजी के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताऊँ तो टॉक्सिकॉलोजी जो है वो फॉरेंसिक मेडिसिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम इस वीडियो में हम टॉक्सिकॉलोजी की डेफिनेशन पढ़ेंगे दैन पॉइजनस की डेफिनेशन टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग एंड क्लासीफिकेशन ऑफ़ पॉइजन पढ़ेंगे ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी जो टॉक्सिकोलॉजी है सबसे पहले हम देखते हैं इसका मतलब क्या हो रहा है टॉक्सिकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है ठीक है एक वर्ड है आपके पास टॉक्सिन एंड दूसरा वर्ड है आपके पास लोगोज टॉक्सिन का मतलब होता है पॉइजन और लोगोस का मतलब होता है स्टडी ठीक है तो द तो स्टडी ऑफ पॉइजन इज कॉल्ड टॉक्सिकोलॉजी तो इसकी प्रॉपर आपके पास डेफिनेशन क्या होगी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस अब क्या इसके डेफिनेशन के बारे में लिखोगे ब्रांच है आपके पास मेडिकल साइंस की जिसमें आप डील करते हो विद द स्टडी ऑफ पॉइजन ठीक है आपने मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें आपने पॉइजन के बारे में स्टडी करनी है सिर्फ और सिर्फ पॉइजन के बारे में स्टडी नहीं करनी अब पॉइजन के किस पॉइजन का आपने सोर्स देखना है टॉक्सिकोलॉजी में आप ये भी देखते हो पॉइजन का सोर्स क्या है पॉइजन का करेक्टर क्या है ठीक है पॉइजन की प्रॉपर्टीज़ भी चेक करते हो प्रॉपर्टीज़ भी चेक करोगे देन वो पॉइजन आपके बॉडी में जाकर क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है ठीक है उस पॉइजन की वजह से क्या सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे हैं उस पॉइजन की लीथल डोज कितनी मतलब कितनी डोज होगा तो उस पॉइजन का तो वो लीथल जो है वो आपके पास जो है वो लीथल साबित होगा देन अगर पॉइजन ले लिया तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट क्या होगा ठीक है ट्रीटमेंट के बाद आप देखोगे कि आपके पास ऑटोपसी फाइंडिंग्स क्या हैं ठीक है ओटोपसी फाइंडिंग्स भी आपने इसी में जो है वो टॉक्सिकोलॉजी में पढ़नी होती है ऑटोपसी फाइंडिंग्स के बाद आपने लॉज पढ़ने हैं ठीक है विच आर रिलेटेड टू जो है वो पॉइजन और उसके अलावा एक और चीज़ थी मैथड ऑफ डिटेक्शन क्योंकि मैथड ऑफ डिटेक्शन क्या होता है मतलब इतने ज़्यादा पॉइजन उसमें आप कैसे चेक करोगे कि कौन सा पॉइजन है ये ठीक है तो आपके पास टॉक्सिकोलॉजी में आपको पता होना चाहिए कि आपके पास मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें आपके पास डील करना है विद स्टडी ऑफ पॉइजन और पॉइजन की ये वाली चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ें पॉइजन का सोर्स क्या हो सकता है उसका करैक्टर क्या है प्रॉपर्टीज़ क्या है बॉडी में जाकर वो पॉइजन क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा कितनी डोज में वो लीथल जो है वो जो है वो साबित होगा देन अगर आपके बॉडी में पॉइजन चला गया तो उसकी आप फ़ौरन से क्या ट्रीटमेंट कर सकते हो ठीक है अगर वो फैटल जो है वो साबित हुआ है हो डेथ

इन दो या इनहेलेशन के थ्रू या सोलिंग के थ्रू आपके बॉडी में जा रहा है और बॉडी में जाके वो व इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है आपके बॉडी में ठीक है उस सब्सटेंस को आप क्या कहोगे डैट इज़ पॉइजन कोई भी चीज़ या तो वो हम सांस के थ्रू धुंदे लेके जा रहे हैं या मुंह के थ्रू ध्रंदा लेके जा रहे हैं वो आपके बॉडी में डिलेटेरियस इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है उससे आप कहोगे कि वो पॉइजन है ठीक है इसके बाद पॉइजन की डेफिनेशन होगी फिर बात की हम बात करेंगे अबाउट सॉरी टाइप्स ऑफ पॉइजन ठीक है अब टाइप्स ऑफ पॉइजन हमारे पास दो टाइप्स की हैं टाइप्स ऑफ पॉइज़निंग हमारे पास एक तो ह्यूमन पॉइजनिंग होती है और एक हमारे पास कैटल पॉइज़निंग है अब ह्यूमन पॉइज़निंग आगे फर्दर सब टाइप्स हैं कैटल तो पॉइज़निंग की भी फर्दर सब टाइप्स है ठीक है अब हम इन फर्दर सब टाइप्स को कैसे पढ़ेंगे ह्यूमन पॉइज़निंग जो है आपके पास <coughs> वो चार हैं उसकी फर्दर सब टाइप्स ठीक है एक तो सुसाइडल है ठीक हो गया फिर आपके पास होमिसिडल है एक्सीडेंटल है और आपके पास टूपीफाइंग है अब इसका क्या मतलब है ह्यूमन पॉइजनिंग है इसका कि ह्यूमन के अंदर पॉइजनिंग कैसे जा सकता है या तो सुसाइड केस हो सकता है या मर्डर केस हो सकता है कि किसी ने जो है वो उसको जो है वो पॉइजन दिया हो या आपके पास एक्सीडेंटल केस होता है कि आपको पता नहीं चला गलती से पॉइजन ले लिया या स्टोपेफाइंग ऐसी चीज जो आपके पास मेंटल मेंटल स्टेट ठीक नहीं है ठीक है मेंटली अब नॉर्मल कुछ भी चीज़ है उन केस में हम क्या कहेंगे डैटल स्टोपेफाइंग अब कैटर पॉइजनिंग की सिर्फ दो टाइप्स होती हैं या तो एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है एक्सीडेंटली हो गया या आपने इंटेंशनली किया तो आर द टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग क्या चीजें आपके पास ह्यूमन पॉइजनिंग होती है कैटर पॉइजनिंग होती है ह्यूमन पॉइजनिंग की फोर टाइप्स हैं सुसाइडल होमिसाइडल एक्सीडेंटल एंड स्टोपेफाइंग और जो कैटल प्वाजिंग है वहां के पास एक्सीडेंटल और इंटेंशनल है ठीक है हमारे पास जो लास्ट चीज है जिसको आज हमने कवर करना है वो आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ प्वाइनिंग क्लासिफिकेशन ऑफ फ्वाइजिंग इसके लिए एक मोनिक है वो है एम सी एन आई सी ठीक है अब एम सी एन आई सी में जो है इसका ए से आप बना लो एम से माइसलेनियस हमारे पास क्या बचा है सी एन आई सी सी फॉर क्रोसेफ्स ठीक है एन फोर आप ले लो न्यूरोटिक्स आई फोर एडिटें एंड सी फोर कार्डिक पॉइजनस ठीक है तो यहाँ पास बहुत ईजी सा निमोनिक है क्या चीज़ें एम सी एन आई सी ठीक है सी एन आई सी याद करना बहुत ईजी साथ में आप एम को इंक्लूड कर लो ए फोर एसफिक्स एम फॉर मैसेनियस सी फोर क्रॉसिवस एन फोर न्यूरोटिक्स आई फोर एरेटेंस एंड सी फोर अगेन कार्डिक पॉइजन ठीक है अब हम इनको अलग अलग देखते हैं कि इनकी फर्दर जो है आगे क्या टाइप्स होती हैं क्लासिफिकेशन में ठीक है सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट क्रॉसिवस तो क्रोसिवस में हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन हमारे पास छह टाइप्स की थी ना ये देखें यहाँ पे एक दो तीन चार पांच छः तो ठीक है छः हैं ए एम सी एन आई सी ठीक है सिक्स टाइप्स की है तो उसका सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्रॉसेस क्रॉसेस के फर्दर टू टाइप्स हैं वो क्या है हमारे पास क्रॉसेस या तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं या आपके पास स्ट्रोंग बेसिस होती हैं ठीक है क्रॉसेस में आप याद रखने के फर्दर क्रॉसेस में क्या चीजें जो है वो उनकी कैटेगरी में क्या चीजें आती हैं स्ट्रॉग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस स्ट्रॉग एसिड्स में आपके पास मिनरल एसिड हो सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं या आपके पास वेजिटेबल एसिड हो सकते हैं ठीक है तो ये दिखी ज्यादा क्रॉसेस अब हम आगे बात करेंगे अबाउट क्रॉसेस के बाद एरिटेंट्स की और जो आपके पास एरीटेंट्स है ना या तो वो ऑर्गेनिक है या वो इनऑर्गेनिक है ठीक है अब ऑर्गेनिक में आपके पास एनिमल इन रीजन हो सकता है या वेजिटेबल इन रीजन हो सकता है ठीक है और इनऑर्गेनिक में जो थे ना आपके पास मेटालिक इन नेचर हो सकते हैं और आपके पास नॉन मेटालिक हो सकते हैं ठीक है आपके पास क्रॉसेस के बारे में ने बात की क्रॉसेस की कैटेगरी में आपके पास स्ट्रांग ऐसे स्ट्रांग बेस आते हैं रिटर्न की कैटेगरी में आपके पास ऑर्गेनिक इनऑर्गैनिक के रिटर्नस होते हैं ऑर्गेनिक में आपके पास एनिमल और वेजिटेबल इन रीजन हो सकते हैं और में आपके पास मेटालिक और मेटालिक uh, की कैटेगरी आती है आपके पास ठीक है इसके बाद हमारे पास आते हैं निरोटिक्स न्यूरोटिक्स ऐसी नाम से पता चल न्यूरोटिक्स जो आपके पास सी एन एस पे अफेक्ट करें दैट आर द न्यूरोटिक्स अब न्यूरोटिक्स की फर्दर तीन टाइप्स हैं या तो आपके पास सेरिब्रल न्यूरोटिक्स हो सकते हैं जो कि ब्रेन पे अफेक्ट करते हैं या स्पाइनल न्यूरोटिक्स या पॉइजनस कह लो ठीक है या स्पाइनल पॉइजन हो सकते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर अफेक्ट करती है या पेरीफ्रइट पॉइजन हो सकते हैं ठीक है अब इनमें आपके पास जो सेरिब्रल पॉइजन है ना इनकी फर्दर थ्री टाइप्स होती हैं सेरिब्रल पॉइजन की या दे आर सोमनिफेरस सोमनीफेरस वही जो नींद की जो स्लीपिंग पिल्स होती हैं अगर उन, जो, उनको जो है ज्यादा अमाउंट में खा लो तो दे आर पॉइजनस देन आपके पास डेलेरियंट्स इनके बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं या इनएबरियंट्स ठीक है हमने न्यूरोटिक्स के बारे में बात की न्यूरोटिक्स में आपके पास सेबर न्यूरोटिक्स होते हैं स्पाइनल जो है पॉइजन न्यूरोटिक्स होते हैं या के पैरफिलो होते हैं इनमें पास जो सैरबल न्यूरोटिक्स इनकी फर्दर थ्री टाइप्स ने बात की सॉमनी फ्रेस डेलेडेंस एंड इन एब्रियस अब हमने जो फर्दर जिनके बारे में स्टडी करना है वो है अब आपके पास ये तीन हो गए आपके पास जो है वो फर्दर कार्डिक पॉइंस होते हैं उनके बारे में हमने बोलता है इसके फर्दर सब टाइप्स नहीं होते हैं बट ये पता होता है कार्डिक पॉइजन होते हैं जो हार्ट पे इफेक्ट करते हैं देन आपके पास एस्फिक्जियंट्स होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं ठीक है एंड लास्ट वन आर द माइसेलेनियस 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 की फर्दर सब टाइप्स हैं इसकी जो है वो माइसेलेनियस की कैटेगरी में फर्दर कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी जो माइसेलेनियस में जाएंगी आपके पास होते हैं एनर्जेसिक्स मतलब पेन किलर्स अगर एक्सट्रीम अमाउंट में हो जाएं एनर्जेसिक्स के बाद आपके पास, पास होता है ट्रैंकुलजर्स फिर अगर एंटी ले रहे हैं या एंटी डिप्रेसेंट्स अगर आप ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हो जाएंगे वो भी ऐ पॉइजन के तौर पे आपके बॉडी पे इफ़ेक्ट करेंगी देन आपके पास एनी स्टिमुलेंट्स और आपके पास हैलोसिनोजेंट्स ये सारी सारी चीज़ों के पास पॉइजनस होती हैं तो हमने पॉइजन के बारे में बात कर के, के पास सिक्स टाइप्स की थी हमने इसका जो है याद किया था निमोनिक एम सी एन आई सी ए फॉर एस्फिक्स जिसके बारे बात musalis, हमने, हमने बात की कि और रेस्परेटरी सिस्टम पैक करे होते हैं एम फॉर मार्सिलेस के हमने फर्दर कैटेगरीज बताई है होते हैं ट्रेंकुलाइजर होते हैं एंटी हिस्टामिन होते हैं एंटी डिप्रसेंट्स होते हैं स्टमूलेंट्स और हेलोसिनोजेंस होते हैं आपके पास ठीक है देन आपके पास सी से क्रॉसि बनते कटेगरी में हमने बात की स्ट्रॉ ए स्ट्रॉ बेसिस होती हैं और एसी ने आपके पास मिनरल और वजिटेल एसेज होते हैं ठीक है देन आपके पास आ जाता है एन फॉर न्यूरोटिक्स न्यूरोटिक्स हमने बात की सैरिबल न्यूरोक्स होते हैं स्पाइनल पॉइंज होते हैं पैरफ्रेड पॉइजन होते हैं और सैरिबल और इन देन एन के बाद आ जाता है आई आई फॉर एरेडेंट्स और एरें आपके पास ऑर्गेनिक है इन ऑर्गेनिक एरेडेंट्स होते हैं ठीक है ऑर्गेनिक आपके पास एनिमल और वेजिटेबल इन ओ रीजन होते हैं और जो इन ऑर्गेनिक होते ना दे आर मेटालिक और नॉन मेटेिक इन ओ ठीक है आपके पास ईफोकार्डिक पॉइजन आपके पास हार्ट पे इफेक्ट है तो ये हमने जो है वो सारी बात कर ली अबाउट ये जो टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग है हमने सारी बात कर ली अबाउट टॉक्सिकोलॉजी उसकी डेफिनेशन देन पॉइजन किसे कहते हैं दैन हमने जो है वो पॉइजनिंग की टाइप्स कर ली ह्यूमन पॉइजनिंग होती है और आपके पास जो है वो कैटल पॉइजनिंग होती है आपके फर्दर क्लासीफिकेशन ऑफ पॉइजनिंग भी कर ली है सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ टॉपिक